दोस्तों, बहुत से लोग गूगल पर सर्च करते रहते हैं कि भगवान को पाने का तरीका क्या है, भगवान कैसे मिलेंगे या भगवान को कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार आपको बतलाते हैं कि भगवान को पाने का तरीका सच में क्या है। दोस्तों, भगवान को पाना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। कितना अच्छा होता फ्रेंड्स कि जैसे संसार में हमें कुछ लेना है तो रुपये देकर खरीद लेते हैं, काश ऐसा ही भगवान के साथ भी हो जाए। सच कहूं फ्रेंड्स तो भगवान तो बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान की कीमत क्या है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रेम, जिसे आप भक्ति भी कह सकते हैं। प्रेम तीन प्रकार का होता है, व्यक्ति से, वस्तु से और परमात्मा से। व्यक्ति से तो आपने कभी न कभी प्रेम किया होगा और शायद करते भी होंगे। दूसरा वस्तु से, जो आजकल सभी करते हैं, अपने स्कूटर से, गाड़ी से, बाइक से और सबसे ज्यादा अपने स्मार्टफोन से। लेकिन ये सारा प्रेम बेकार हो जाएगा। आप परमात्मा से प्रेम कीजिए। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेम में कितनी ताकत है, शायद किसी भी चीज में इतनी ताकत नहीं है। श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया और भगवान श्री कृष्ण आज राधा रानी के वश में हैं। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप सबसे प्रेम कीजिए, ऐसा प्रेम जिसमें कोई मांग ना हो, जिसमें सिर्फ अपनी प्रेमी को सुख देना है, अपने सुख की कामना नहीं है। अगर अपने सुख की कामना है तो वह प्रेम नहीं फ्रेंड्स, वो तो स्वार्थ हो गया। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अर्थात श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला है और जानना चाहता है वह यह बात जान ले। एकदम सच बात है। सबरी के बेर भगवान राम ने प्रेम में ही खाए थे फ्रेंड्स। हमें कोई झूठे बेर खाने को दे तो हम क्या खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ भी नहीं देखते। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप भगवान को आसानी से पालोगे। धर्म पुराणों में एक बड़ी अच्छी बात आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। अर्थात भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, अर्थात समान रूप से मौजूद हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं और ये बात भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस में देवताओं को कही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान को खरीदा भी जा सकता है और वो बिकने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तुम खरीदार तो बनो। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि भगवान को पाने का तरीका क्या है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपकी राय हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।